हाय एवरीवन, आज का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आज ये एक वीडियो बन रहा है जहाँ का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया है, माय न्यू गेमिंग पीसी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ब्लॉग्स पे भी देखा होगा कि मैं गेमिंग पीसी खरीदने के लिए काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ। अभी तक तो नहीं, 2-3 ब्लॉग आ गया है इससे रिलेटेड कि मैं यहाँ गया खरीदने, वहाँ गया खरीदने, बट फाइनल डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सा सही है मेरे लिए। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं गेमिंग पीसी खरीदा हूँ लेकिन मुझे गेमिंग नहीं करना है, एक्चुअली मुझे वीडियो एडिटिंग करना है। अब आप बोलोगे भाई आपके पास तो मैकबुक था, तो जी हाँ मेरे पास मैकबुक है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये है एप्पल का मैकबुक, 13 इंच का है, मैकबुक प्रो है, जो कि लेटेस्ट मैंने लिया था 2020 या शायद 21 का, शायद 20 का मॉडल है। तो एकदम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मैं आराम से एडिट कर लेता था और मैं मैकबुक पे भी फिल्मोरा को ही यूज करता था, सबसे पहले तो बात मैं ये बता दूँ, लेकिन अच्छा से एडिट हो जाता था। प्रॉब्लम कब क्रिएट होता था? प्रॉब्लम तब होता था जब बटन ज़्यादा पड़ता था। लाइक मुझे मान लीजिए कि रेगुलर 4 वीडियो एडिट करना है, तो एक जैसे ही एडिट किया तो वो थोड़ा हीट हो जाता था और दूसरे वीडियो में और थोड़ा हीट होता था और थर्ड वीडियो में तो पूरा लैग करना शुरू कर देता था। मतलब ये हीटिंग प्रॉब्लम जो है लैपटॉप पे हो रहा था, हीट जैसे ही होता था लैग करना शुरू कर देता था, तो काफ़ी ज़्यादा इससे इरिटेट हो रहा था मैं, ठीक है, फास्ट काम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, एक हैवी पीसी अब मुझे चाहिए जिससे मेरा काम में कोई ब्रेक ना आए और स्मूथली मैं अपने वीडियोस को एडिट कर पाऊँ। सो दोस्तों, फाइनली मैंने गेमिंग पीसी ले लिया है। अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो पे वो कौन सा पीसी है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, क्या क्या फीचर्स है, सारा ऑलरेडी आपको मिलेगा वीडियो पे। लेकिन उससे पहले आप लोग जान लो कि ये मैंने लिया कहाँ से। सबसे पहली बात दोस्तों, मैंने गेमिंग पीसी खरीदने के लिए सबसे पहले दुमका गया होता, मेरे एक सब्सक्राइबर के पास वो था तो देखने के लिए। फिर मैं गेमिंग पीसी खरीदने के लिए जो है नया खरीदने के लिए चला गया था कोलकाता, क्योंकि वो सब्सक्राइबर वाला पीसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। अब फिर जब कोलकाता से भी मैं रिटर्न आ गया, क्योंकि कोलकाता पे मैंने देखा कि जो कॉस्ट पड़ रहा था मेरे गेमिंग पीसी का वो था अप्रोक्स 2 लाख, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि दोस्तों मेरा उतना भी काम नहीं है, मुझे तो गेमिंग करना है नहीं, तो फिर मैं 2 लाख रुपये फंसाऊँ क्यों उस जगह पर। तो फिर मैं रिटर्न घर आया, घर आकर के मेरे सब्सक्राइबर जो था वो मुझे फिर कॉल कर रहा था कि मुझे ऐसा कोई कस्टमर यहाँ नहीं मिल रहा, क्योंकि दोस्तों वो भी झारखंड से बिलोंग करता है और मैं भी झारखंड से बिलोंग करता हूँ और झारखंड में यूट्यूबर्स काफ़ी कम हैं, तो कौन लेगा गेमिंग पीसी इतना महंगा। तब वो उसने बताया कि आप ही ले लीजिए, तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि चलिए इसी के गेमिंग पीसी को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वो भी कॉल कर रहा था और मेरे ही सब्सक्राइबर जान पहचान का ही था। तो मैं फिर से गया था दुमका और मैं इस गेमिंग पीसी को लेकर के आ गया रिटर्न वहाँ से। अब मैं दिखाता हूँ वो पीसी कैसा है और उसका क्या क्या फीचर्स है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा स्लाइस कार्ड के बारे में। दोस्तों स्लाइस कार्ड एक इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट एंड क्रेडिट स्टार्टअप है। स्लाइस कार्ड के थ्रू अगर दोस्तों आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लाइक फूड डिलीवरी में, ग्रोसरी में एंड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। दोस्तों स्लाइस कार्ड को यूज करने से आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स भी मिलता है। अगर आप स्लाइस कार्ड के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन में up to 2% का कैशबैक मिलता है। एंड दोस्तों आप स्लाइस कार्ड के बिल को स्प्लिट कर सकते हो 3 भाग में, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हो तो आपको बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको डेली, वीकली एंड मंथली स्पार्क्स ऑफर्स भी मिलता है टॉप मर्चेंट्स पर, लाइक स्विगी, अमेजोन, मिंत्रा, एयरटेल, ETC। एंड दोस्तों स्लाइस कार्ड को अप्लाई करने के लिए भी बहुत ज्यादा आसान है, जस्ट आपको 5 मिनट का समय लगेगा, वो भी कोई भी पेपर वर्क नहीं है एंड कोई भी यहाँ पर हिडन चार्जेस नहीं लगता है, जैसे कि बुकिंग फी, एनुअल फी, इस तरह का कोई भी फी आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। दोस्तों स्लाइस कार्ड को कोई भी 18 ईयर प्लस वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं और आप स्लाइस कार्ड पासबुक से आप अपने हर एक ट्रांजैक्शन को रियल टाइम ट्रैक भी कर सकते हो। एंड दोस्तों स्लाइस कार्ड का जो है एप्लीकेशन मिलता है जहां पर आपको वर्चुअल कार्ड मिलेगा एंड यहां पर आप फिजिकल कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर के डाउनलोड कीजिए और स्लाइस कार्ड को अप्लाई कीजिए। सो दोस्तों फाइनली ये रहा हमारा गेमिंग पीसी, जो कि देख सकते हो आप लोगों के सामने में है। सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हो डिस्प्ले कितना बड़ा है, ये एक्चुअली 32 इंच का डिस्प्ले है, जो कि ये है ब्रांड AOPEN, आप लोग देख सकते हो एकदम से नया। सबसे पहले तो बात करें, ये ज़्यादा दिन का था नहीं, वो जो मेरा सब्सक्राइबर था उन्होंने अपना गेमिंग चैनल ओपन किया था, बट फिर उन्होंने, उनको टाइम नहीं मिला था, वो जॉब करते हैं, तो बोला कि मुझे करना नहीं है, इसलिए वो मुझे दे दिए। ज़्यादा दिन का है नहीं, इसी ईयर का है, 2021 में ही उन्होंने जो है इसको परचेज किया हुआ था, तो एकदम से नया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये रहा 32 इंच का डिस्प्ले, बाकी इधर देख सकते हो ये है CPU। एंड दोस्तों ये रहा कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड माउस भी गेमिंग माउस ही है और कीबोर्ड भी। तो सबसे पहले यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है 16 GB का रैम और ग्राफिक कार्ड है वो है 2060 सुपर ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का हार्ड डिस्क है, 256 GB का SSD है। ये इनका थोड़ा लो कैटेगरी का था, ठीक है, 256, एटलीस्ट 512 होना चाहिए था, तो वो मैं चाहूँ तो इसमें स्लॉट लगा हुआ है, मैं 512 का और एक्स्ट्रा मतलब 256 लगा सकता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि ले लेते हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो लगवा लेंगे। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको 2 दिनों से। इसमें दोस्तों जो राइजन 5 है 3600 प्लस, दोस्तों इसमें आसूस का 350 इंट जो है मदरबोर्ड है, ये भी ओल्ड मॉडल है, 2016 का मदरबोर्ड है, तो अगर मुझे प्रॉब्लम होगा तो मैं इसमें लेटेस्ट मदरबोर्ड भी लगवा लूँगा। तो
तो ये मैंने सोच कर ही लिया है। बाकी इसमें जो है इन्होंने होम थिएटर भी दिया हुआ था जेब्रोनिस का, वो मेरे पास अभी है नहीं। एंड बाकी जो कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले है जो कि 4K सपोर्टेड है, 650 वाट का पावर सप्लाई है और स्ट्रीम माइक भी दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने माइक भी दे दिया है जिससे मैं लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ। मतलब टोटल उनके पास सारा इक्विपमेंट था जिससे एक गेमिंग चैनल को चला सकते हैं। तो इतने सारा चीज़ है आप लोग देख रहे हो। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले का क्वालिटी आप लोग को बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। इसमें मैं 4K वीडियो अभी प्ले करके दिखा दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग को समझ में आएगा इसका क्वालिटी कैसा है। सो गाइस, ये देखिए डिस्प्ले का क्वालिटी अभी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। 32 इंच का है, काफ़ी बड़ा भी है, ठीक है। एंड गाइस, ये देखिए इसमें गेमिंग कीबोर्ड है, गेमिंग माउस भी है, और ये देखिए RGB लाइट्स इसमें काफ़ी बेहतरीन लगा हुआ है जो कि देखने में एकदम गजब लग रहा है, ये देखिए। एंड फ्रंट में कुछ इस तरह का है, तो मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया PC, ठीक है। मुझे जितना ज़्यादा मेरा रिक्वायरमेंट था उससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा कुछ काम करना है नहीं, जस्ट मुझे यहाँ पर सिर्फ वीडियो एडिट करना है। एंड आप लोग कमेंट करके बताना क्या मुझे गेमिंग करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा PC है। मैं चाहूँ तो इसमें गेमिंग लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, गेमिंग गेम प्ले वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। तो आप ही लोग बताना क्या करना है, ठीक है। अगर चाहो तो मैं एक चैनल और ओपन कर लूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात। तो कुछ इस तरह का ये PC है जो कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था वो लूँगा, फाइनली हमारे चैनल पर आ गया है। अब से जो भी काम होगा सारा इसी PC से होगा, और एक्चुअली मैंने सारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो भी होता है वीडियो एडिट करने का वो मैंने डाल भी दिया है, ठीक है। एंटीवायरस ये रिन्यू मांग रहा है, ये देखिए मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा इसमें डाल दिया है, बाकी अभी एडोब प्रीमियर प्रो ये भी डाउनलोड करना है, देखेंगे जिसमें अच्छा होगा उसमें हम लोग एडिट करेंगे वीडियो। तो इसी ये देखिए फिल्मोरा 9 इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और अभी तक तो मैं जितने भी वीडियो एडिट करता हूँ इसी से करता हूँ। बाकी फोटोशॉप भी है, फोटोशॉप से मैं चाहूँ तो इसमें थंबनेल भी बना सकता हूँ, तो फोटोशॉप से भी सीख लेंगे। अभी तो फिलहाल मैं फ़ोन से ही बनाता हूँ और कभी कभी बनवा लेता हूँ, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर है जो कि बना देता है। तो ये देखिए ये है हमारा वीडियो एडिटिंग ऐप, तो बस कुछ ऐसा ही है। सो दोस्तों, फाइनली हमारे चैनल के लिए आ गया है गेमिंग PC। अब जो भी वीडियो एडिट होगा सारा कुछ इसी काम इसी से होगा। एंड देखते हैं गेम भी खेल लेंगे, बहुत सारा गेम भाई ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हुआ है, बहुत सारा गेम्स इसमें ऑलरेडी है। सो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को आज का पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।